गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। आज हमारा मॉर्निंग का टाइम थोड़ा लेट हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं दीघा एक्सप्लोर करने के लिए, डे टू हमारा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड में हमारा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल न्यू दीघा में है। अगर आप लोग कभी दीघा ट्रेन से आते हैं तो आप लोगों को यहीं पर उतरना पड़ेगा और यहाँ से काफ़ी सारे होटल आप लोगों को बिल्कुल नज़दीक मिल जाएगा आराम से। रोड में पकड़ चुके हैं मोहना का रोड को और ये रोड अभी हम लोग को सीधा मोहना में लेकर जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोड थोड़ा छोटा हो गया है और ये थोड़ा अंदर पड़ता है, अभी थोड़ा अंदर से होते हुए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ जगह अच्छा है। आप लोग आइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर क्या होता है कि लोग तरह तरह का मछली जितना भी वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट में, यहाँ से अदर स्टेट में भी एक्सपोर्ट होता है तो सब यहीं से जाता है, पैकिंग होता है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरा घर भर के मछली मछली रखा हुआ रहता है। और ये देख लीजिए ताज़ा मछली, बहुत बढ़िया, बड़ा बड़ा लॉबस्टर है। अब इसको समुद्र अक्टूबर से देख के ऑक्टोपस बोल रहे हैं। यहाँ पर सूखा हुआ मछली है, सब सूखा हुआ मछली बेचा जा रहा है, सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये बहुत दिनों तक रहता है, सेफ रहता है। और आई ले आऊँ तो अभी ये पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ, सुखा के रखा हुआ मछली है। Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the कंप्लीट मछली पूरा बिक रहा है, बेलचा से उठा उठा से। कितना बड़ा मछली, कीमत है ना, प्रॉन इतना चाहिए प्रॉन। फ्रेंड्स अभी मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है और टिकट भी ले लिया है। अभी मैं और सोनम जा रहे हैं हम लोग स्पीड बोट के लिए। लक्की तो डर गई है, लक्की जाना नहीं चाहती है, तो हम लोग ही चल के देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं और पीछे और दूर होते जा रहा है। फ्रेंड्स हम लोग अभी बिल्कुल समुद्र के बीच में हैं और काफ़ी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर फोटोग्राफी के लिए रुका गया और वापस अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो सभी अपना अपना पकड़ लीजिए, दोबारा हम लोग राइड के लिए तैयार हैं और निकल चुका है हमारा स्पीड बोट।
तो फ्रेंड्स, आप लोग कभी दिखा हैं तो डाप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाप है ये आपको बहुत सारा प्राइस बताएगा, लेकिन आपको यहाँ 15 रुपये में से लेकर 30 रुपये तक डाप मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ये जो मलाई है ये आपको खाना है, ठीक है? डाप के अंदर का जो मलाई है वो आपको खाना है, तो मैं भी खाने वाला हूँ। आजो दीदी, डाप डाप ताजा डाप, आजो 15 कुड़े 15 कुड़े, आजो 15 कुड़े, आजो 15 कुड़े, कुछ जगह सांसों में दीदी भाई, आजो दीदी भाई, आजो क्या चम्मच भी बना के दिया है आपको, चम्मच है? अरे बाहर फिल्म बनाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे बीच में, न्यू दीघा बीच के करीबी है, तो इस बीच का नाम है उदयपुर। तो यहाँ पर से होते हुए हम लोग अंदर जाएंगे, ये ऊपर तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर से और हमारे इधर पसंग और तो हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बीच में जा रहे हैं या पहाड़ में जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़ा ऊंचा जगह में है, उसके बाद ये फिर डाउन हुआ है स्लोप। बढ़िया व्यू है, यहाँ पर लोग भी काफ़ी घने, उतना ज़्यादा क्राउड ही नहीं है। उस तरफ काफ़ी टेंट वेंट लगा के बैठा हुआ है वो उधर। आइए चलते हैं, ये आपको व्यू दिखाना चाहूँगा आगे का। भाई बाइक देख लीजिए, बाइक से आप लोग घूम सकते हो भैया, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है, नेचुरल स्पॉट, जहाँ पे रेड वाला किला, कछुआ का द्वीप, नदी सागर मिलन, आइलैंड देखने के लिए मिलता है, आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। ये उड़ीसा का स्पॉट होगा भैया। क्या क्या है वहाँ पे रेड वाला किला, कछुआ? तुम नहीं, किसमें जाएगा वो बोलो ना, क्या बाइक में, स्कूटी, कौन ले जाएगा वो? भैया चलाना आता तो आप लोग जाओगे, तो हम लोग बैठे के ले जाएंगे, अच्छे से घुमा के। कहाँ ले जाएंगे आप? आपको उड़ीसा के बीच में ले जाएंगे। उड़ीसा के बीच में ले जाएंगे, कितना लेगा तुम भैया? 200 रुपये लेंगे, उतना ज्यादा होता है 200 रुपये? 4 किलोमीटर जाएगा, तुम कितना तेल जाएगा तुम? फॉलो ए आस्ते आस्ते जाइबो। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उदयपुर में हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्कूटी भी राइड करने के लिए मिल गया है, तो लक्की स्कूटी को दौड़ा रही है, और आगे हमारे जो गाइड है उसमें सोनम भी है। तो अभी हम लोग स्कूटी से होते हुए जा रहे हैं, और लक्की स्कूटी को राइड कर रही है, और यहाँ का नज़ारा इस प्रकार का है, देख लीजिए कैसे मज़ा आ रहा है। सभी सभी लोग दौड़ना चाहते हैं, आप लोग भी आ जाइए, अगर आप लोग अच्छा लगता है तो। ये राइड करने का पहली बार मौका मिला है, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, लेकिन अभी स्कूटी वगैरह लेकर भी ऐड कर दिया है, तो इसको लेकर भी लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 400, 450 बोलेगा, लेकिन आपको उतना देने का ज़रूरत नहीं, आप लोग जितना भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ना यहाँ पर व्यू, फोटो लेने से तो बहुत अच्छा होता, तो यहाँ फोटो लेगा तो क्या है, वो लड़का लोगों को रोकेगा, रोको ना, फोटो भी ले लेंगे। क्रैप जो है ये बहुत मुश्किल से हाथ में आया है, तो हमने अभी इसको एक पकड़ लिया है, तो इसको अभी छोड़ भी देना है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, डरा हुआ है, देख लीजिए। अगर इसको ये करेंगे तो ये बेचारा गुस्सा हो जाएगा, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, देख लीजिए, तो जाने देते हैं, अभी गड्ढा खोद।
अभी हम लोग अभी आइटम बन चुका है, ये लोटे मार जो फिश जो है समुद्र, ये बन चुका है और इधर प्रॉन भी बन चुका है। पेट बढ़िया है, आप लोग भी कभी आइएगा तो जरूर खाइए। और इधर प्रॉन का भी मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अभी हम लोग ओल्ड दीघा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कॉफ़ी लेने के लिए हम लोग बरिस्टा में आए हैं। कॉफ़ी जैसे कॉफ़ी लेंगे और थोड़ा सा कॉफ़ी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ का। फ्रेंड्स, अभी हमारा आलमंड मफिन और बरिस्टा ब्लास्ट आ चुका है, कोल्ड कॉफ़ी। तो हमारा नेक्स्ट कैपेचिनो और ब्लूबेरी मफिन आ चुका है। सभी हम लोग ओल्ड दीघा में हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो है क्योंकि मेरा बैटरी भी ख़त्म हो गया है। तो देख लीजिए, ये ओल्ड दीघा का व्यू है। यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है, देख लीजिए। पानी मुँह नहीं पीके सर, अभी बिल्कुल सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और अभी बीच का व्यू बहुत ही सुंदर है, देखने में बढ़िया लग रहा है। दीघा का मज़ा लीजिए। और अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा बैटरी ख़त्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।